बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स ये देखें, ये प्लास्टिक फ्रेम है, ये फर्स्ट कॉपी में, और ये मेटल कमानी। हम इस प्लास्टिक फ्रेम में ये देखें, ये CRD है, ये देखें D हम इस फ्रेम में लगाएंगे, और डी काटने का तरीका बताएंगे। ये एंगल वाली डी है, इसको हमने कैसे काटना है ये देखिए। हमने इस पर एंगल नहीं लगाए, हम एंगल के बगैर काटने का तरीका बताएंगे हमने किस तरीके से डी को काटना है। ये देखें, अब हम ये डी पे निशान लगा लेंगे। ये मैं डी काटने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा आपको। ये देखें, इस तरीके से हमने डी पे निशान लगा दिए। ये देखें, दोनों डी पे निशान आ गए। अब हम डी काटने का तरीका बताएंगे, हम डी किस तरीके से काटनी है, और हमारी डी टेढ़ी भी नहीं होगी और बिल्कुल सीधी कटेगी। पहले हम ये मोटे मार्कर से हम निशान लगाएंगे, ये लाइन लगा लेंगे। ये देखें, ये लाइन लगाने का तरीका है, हम मोटा मार्कर इस तरीके से ये रख लेना है। जितनी हम डी काटनी है उसके हिसाब से हमने जिसके मार्कर का निशान इस तरीके से लगाना है दोनों पार्टन पे। ये देखिए, हमने बिल्कुल बराबर, ये देखें, ये हमने बिल्कुल बराबर निशान लगा लिए मोटे मार्कर से। अब हम डी काटेंगे, हमने डी इस तरीके से हमने ये डी काटनी है इस लकीर के हिसाब से हम डी काट देंगे, और हमारी डी जो है टेढ़ी नहीं कटेगी, बिल्कुल सीधी कटेगी। ये देखिए, ये पार्ट निकाल लिया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस मार्कर के निशान जो लकीर लगाई थी उसके हिसाब से हमने डी ए रख ली है। अब हम इसको काटेंगे। ये देखें, ये प्लास्टिक शीशा, ये काटने का तरीका है, हमने इस तरीके से काटनी है। ये देखें, हमारी डी बिल्कुल सीधी कटी है। अब हम जो लकीर लगी है इसके हिसाब से लगी है, हम इसके मुताबिक इस डी को भी काटेंगे। ये डी काटने का तरीका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डी कट गई है, ये बिल्कुल बराबर कटी है। ये देखें फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।